सोचा था कि हमारी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपका एक खूबसूरत चेहरा फिर मैं देख पाऊंगा या मैं नहीं देख पाऊंगा, इसी कश्मकश और बेचैनी में मैंने अपना पेन उठा लिया और आपके खूबसूरत चेहरे को अपने ख्याल से निकालकर इस कैनवस पे उतार दिया। ये देखिए, चालू चीज है ये। क्या हुआ? मतलब अपने शिकार को फंसाने के लिए रातों रात पेंटिंग बना दिया मीरा का। उसने कुछ नहीं बनाया करिश्मा सिंह, उसने रातों रात मीरा का फोटो दिखाया किसी प्रोफेशनल पेंटर से पेंटिंग बनवाई और अब यहाँ ले आए इंप्रेस करने के लिए। ऐसी लड़कियां इसके नाम का भजन नहीं गाती है मैडम सर। हाँ, मानना पड़ेगा कितना डेडिकेटेड है अपने टारगेट को फंसाने के लिए, इतनी मेहनत। बाप रे बाप, मीरा तुम क्या कर रही हो? उसने पेंटिंग दिया है तुमको, तुम उसको देख के थोड़ा खुश हो, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ ना भैया। ये क्या कर रही हो? हमें तुम उसको बता रही हो या उसको डरा रही हो? इतना नहीं, इतना थोड़ा कम करो, 30% कम कर दो, 30% कम कर दो, थोड़ा और। अभी ये क्या है मैडम सर? इसको समझाते हमारा दिमाग बुरा गया। आपने इसको इंसान का जटिल मनोविज्ञान सिखाने का बीड़ा उठाया। करिश्मा सिंह, आप अपनी भड़ास बाद में निकाल लीजिएगा, पहले उसे नॉर्मल तो कीजिए। हाँ अमाओ, सुनो, वो प्यारा वाला स्माइल दो। हाँ ये ठीक है, अब उससे पूछो कि क्या आप पेंटर हो? क्या आप पेंटर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक लाइन भी ठीक से नहीं खींच पाता हूँ। पता नहीं ये पेंटिंग मुझसे कैसे बन गई। लगता है ये पिछले जन्म का कनेक्शन, और मैं आपकी खुशी के लिए आसमान भी जमीन पे लेके आ सकता हूँ। या 70 के जमाने का डायलॉग चिपा है मैडम सर इसने। करिश्मा सिंह, लड़कियों को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। कौन है ये लड़कियाँ मैडम सर? परमा तुम कहाँ उसको देखे जा रही हो? अरे वो रोमांटिक डायलॉग आया सामने से, तुम रिएक्ट करो और सुनो 30% स्माइल, थोड़ा ब्लश, थोड़ा वो प्यार से मुस्कुराना, वैसा मुस्कुराओ और फिर तुम आगे बढ़ जाना। और जो तुम्हारे हाथ में, नहीं नहीं नहीं, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, अब दूसरी तरफ आगे बढ़ो। हाँ हाँ बस, अब जो तुम्हारे हाथ में पेपर है जिसमें तुम्हें मोबाइल नंबर लिखा है वो गिरा दो, और अगर निखिल ने वो उठाया तो पलट के तुम्हें उसको स्माइल देनी है, वो ही प्यारी वाली। बस कीजिए पुष्पा जी, कितना रोइएगा, रो रो के आंसू का बाढ़ लाइएगा क्या? रो नहीं रहे हम, हमारी नाक बह रही है। हमको तो खाली बाढ़ का फिक्र है ना, चाहे आंख से आए चाहे नाक से। पक्का पक्का, जो पैतरे ये मीरा मैडम को सिखा रही है ना हमारी बहुरानी निखिल को फंसाने के लिए, हमारे लल्ला को भी उसी पैतरों से फंसाया होगा इन्होंने। हमारे खूबसूरत हैंडसम लल्ला को देखा होगा, फिर हो गई होगी लट्टू, फिर बिछाया होगा अपनी आधा। अपनी खूबसूरती और अदाओं का जाल, फंस गया बेचारा हमारा मासूम भोला लल्ला इनके सुनहरे जाल में। कर ली शादी, फूट गई किस्मत। हमको तो अब पता चल रहा है कि कितनी पहुंची हुई चीज है हमारी बहुरानी, हमारे तो भाग्य फूट गए। काहे पुष्पा जी, काहे आप खुद से इतना ज्यादा कल्पना की जा रही है और मन ही मन से जली भूनी जा रही है, कूड़ी जा रही है। कितना आसान है, निकालिए फोन, लगाइए लल्ला को फोन, अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगाइए फोन। हाँ पुष्पा जी, लगाइए अभी अभी, तुरंत लगाइए फोन, लगाइए फोन, लगाइए। अरे हाँ, तुम लोगों का क्या है इतना? लाउड स्पीकर पे रखिएगा प्लीज। हाँ माँ बोलिए। देखो हम जो तुमसे पूछ रहे हैं ना उसका सही सही और सच्चा जवाब देना, समझ गए ना? क्या अम्मा कभी झूठ बोले हैं क्या आपसे? पूछे ना क्या पूछना है। हमारी जो बहुरिया है तुम्हारी पत्नी, तुमसे कहाँ मिली थी? मार्केट में, और कहाँ, वहीं तो मिले थे हम पहली बार करूँ को। क्या बात है, काहे पूछ रहे हैं? दोनों टकराए थे। हाँ अम्मा टकराए थे, तभी तो जान पहचान हुआ था, आपको कैसे मालूम? अगले दिन फिर से मिली थी। हाँ फिर मिले थे, वही मिली थी अम्मा, वही मिले थे। फिर अपनी जुल्फे,
कैसे 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 ऐसे अम्मा फोन पे कैसे पता चलेगा कैसे? तो मैं कैसे भी करके पीछे लियो, पीछे ली कि नहीं? हाँ पीछे बाल किए। गजब यार, गजब गजब पुष्पा जी। फिर अपना नंबर पर्ची पे लेकर गिरा दिया था? हाँ गिरा दिया था, आपको कैसे पता? बहुत बड़ी गलती की बेटा, बहुत बड़ी गलती की तूने वो नंबर उठा के। तुमको पता नहीं मगर तुम्हारे नहीं हम दोनों के भाग फूट गए समझे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अरे नहीं आएगा यार। अरे कहाँ पुष्पा की गलत जगह विकेट गिरा दिया। 100 रुपए का नोट। अब भाग। ये क्या किया तुमने लल्ला, ये क्या किया? निखिल का मैसेज आया है। क्या बात कर रही हो, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। बहुत बढ़िया, तुम भी करो मैसेज करो। और बात करो। बोलो आई लव यू टू और प्यार से बोलना आई लव यू टू। कमर पर हाथ डालो, उसकी कमर पे हाथ डालो। ये बूफे और ये गिफ्ट किसने दिया आपको? निखिल ने दिया है। फेंक दो। लगा तीर निशाने पे। पता चला हमारी बेटी का? मैडम देखिए, हम आपकी बेटी और बाकी सभी लड़कियों के बारे में पता लगा लेंगे बहुत जल्द, लेकिन आप प्लीज हम पर भरोसा रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मैडम बढ़िया हुआ कि आप आ गए। देख पता नहीं क्या हो गया पुष्पा जी को, सुबह से ना ऐसे करके सुबके जा रही है। कितना बार पूछे कि क्या हुआ, बता ही नहीं रही। यहाँ बैठ के रो रही है, वहाँ बैठ के रो रही है, लेकिन पता ही नहीं रही क्या हुआ। देखिए वहाँ पुष्पा जी बताइए तो क्या। पुष्पा जी क्या हुआ, कुछ तो बताइए, कब से पूछ रहे हैं? हाँ और इतने दिनों से हमें भी लग रहा है कि कुछ अलग बर्ताव है इनका मैडम सर ना। मतलब हमसे 7 दिनों से इन्होंने अच्छे से बात नहीं किया है, और उससे भी आश्चर्य का बात यह है कि हमसे लड़ी नहीं है ना। मतलब जब तक हमसे लड़ेंगी नहीं तब तक उनका अंजल पचता नहीं है ना। तो ये कुछ अलग बर्ताव क्या हो गया पुष्पा जी, काहे रो रही हैं? पुष्पा जी बता दीजिए, अब तो आपकी प्यारी बहू पूछ रही है, अब तो बता दीजिए क्या हुआ। लल्ला। पुष्पा जी लल्ला को क्या हुआ? हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिसे सच्चा प्यार समझ कर वो ब्याह कर लेकर आया, वो एक छलावा निकला। लड़कों को कैसे फंसाया जाता है, उसका कोचिंग क्लास देने वाली एक नव गुरु माता निकली। पुष्पा जी लेकिन आपको ऐसा लगता ही क्यों है? क्योंकि जो पैतरे इन्होंने मीरा जी को सिखाए ना उस निखिल को पटाने के लिए, वो सारे पैतरे हमारे लल्ला पर आजमाए गए हैं उसको पटाने के लिए। वो टकराना, जुल्फे लहराना, रिझाना, पटाना, नंबर फेंको। हाँ, नंबर फेंकना, मीठी मीठी बातें करना, बस लड़का जेब में, प्यार व्यार गया सब भाड़ में। तो आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लल्ला से प्यार नहीं करते? नहीं, आप हमारे लल्ला से बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपको तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए था, आपको मिल गया ना, कर ली शादी उसके साथ। आइए बैठिए, आइए पुष्पा जी, आइए आइए, आ जाइए पुष्पा जी, आ जाइए बैठिए आराम से। देखिए पुष्पा जी, जब प्यार होता है ना तो उसमें गणित नहीं लगता है, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं देखते हैं, वो आपको पता चल जाता है। जैसे हमें पता चल गया था जब हमने आपके लल्ला को देखा था ना, हमारा वो कांटा ऐसे सन करके अटक गया था यहाँ पे। उनको देख के ना हमें वो लग गया था कि यही वो इंसान है जिसके साथ हम अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमने ना तय कर लिया था कि हमारी सांस छूटे तो छूटे, लेकिन ये वो एक ऐसा इंसान है जिसका साथ हम जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे।
पुष्पा जी, लल्ला से हमको कुछ इस तरह प्यार है कि उनका हाथ थाम के अग्नि को साक्षी लेकर हम उनके घर आए थे, तो अब उन्हीं हाथों से अग्नि लेकर इस पूरी दुनिया से विदा होगे। ये बात तय है कि हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत ही हमें जुदा करेगी। आप समझते हैं, हमारे लिए तो प्यार का परिभाषा यही है, बाकी लोग प्यार को क्या समझते हैं हमें पता नहीं। हम लल्ला से बहुत प्यार करते हैं। आप समझे? हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, माफी 5 मिनट बाद सेम टॉपिक ले आएंगी, फिर उस पर लड़ पड़ेंगी, कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगी उस पर लड़ पड़ेंगी, ये चलता रहेगा? पुष्पा जी, सास प्रजाति की हैं आप, हम यूज्ड टू हो गए हैं, आप भी हो जाइए। मतलब वो हम ही लड़ते हमेशा? नहीं नहीं, हम लड़ते हैं, आप नहीं लड़ती, आप नहीं लड़ती। देखो ये मीरा का जो मामला है ना पुष्पा जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये प्यार नहीं है, ये एक सेकेंड आप मैडम सर से पूछिए, ये धोखेबाजी से स्टार्ट हुआ है। मीरा जो है उसको उससे सच निकलवाने के लिए धोखा कर रही है, हा? और लड़के को मीरा को पटाना है इसलिए वो ये चालबाजी कर रहा है, तो प्यार तो है ही नहीं, धोखेबाजी से स्टार्ट हो रहा है, धोखेबाजी पे ही खत्म हो जाएगा। पुष्पा जी, प्यार जैसा कुछ भी नहीं है इस खेल में, आप टेंशन मत लीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, अभी निखिल का मैसेज आया है और वो कह रहा है कि वो मेरे यानी मीरा के पेरेंट्स से मिलना चाहता है और शादी की बात करना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम सर? क्या करना चाहिए, क्या मना कर दो? बिल्लो इधर इधर। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता है तो फिर मिलवाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से। मीरा तुम्हारी माँ बनेगी पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम सर, हम बिल्कुल तैयार है अभिनय करने के लिए। और उसके पिताजी बनेंगे बिल्लू। कहाँ है मैडम सर? नहीं मैडम सर, मुझ पर एहसान करो, मुझे मीरा जी का बाप मत बनाओ। मैडम सर, आपने जब भी कहा मैं बाप बन गया, जिसका भी चाहा बाप बन गया, जो भी कहा मैं बन गया। पुष्पा जी का बाप बनाइए, लेकिन मीरा जी का बाप मत बनाइए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर प्लीज, मीरा जी प्लीज हेल्प मी। थैंक यू मैडम सर। दूर का रिश्तेदार बनाओ, माली बना दो, चौकीदार बना दो, ड्राइवर बना दो, लेकिन बाप मत बनाओ। बिल्लू, वो मीरा के माँ बाप से मिलने आ रहे हैं, ड्राइवर और माली से मिलने नहीं आ रहे, तुम ही बाप बनोगे एंड दैट इज फाइनल। तो अकेली माँ भी हो सकती है ना। शादी की तैयारियाँ कीजिए। मैडम सर, मैडम सर, एक तो नहीं सही, हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था। अब क्या हुआ? रिक्वेस्ट ये था कि हम लोग ये सब जो प्लान बनाते हैं केस सॉल्व करने के लिए, जिसमें नकली शादी होता है, नकली एंगेजमेंट होता है, नकली पार्टी होता है, लेकिन पैसा असली लगता है। हाँ, पैसा हम सब लोग के पॉकेट से जाता है मैडम सर, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता हम लोग को। हाँ हाँ मैडम सर, चीता बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार थोड़ी तंगी चल रही है, तो क्यों ना शादी थोड़ा सा सस्ते में निपटाए। ये तो है मैडम सर, हम कंगाल हो गए हैं, आप शादी के लिए प्लीज कुछ और सोचिए। अच्छा ठीक है ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम निखिल से कहेंगे कि कोर्ट मैरिज का प्रपोजल रखते हैं उसके सामने, सस्ते में सब कुछ निपट जाएगा। और निखिल को वैसे भी सिर्फ शादी करने से मतलब है, कैसे होती है उससे क्या फर्क पड़ता है। जी ये सही रहेगा। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लान सेट। आओ आओ बेटा। जी बैठो बैठो, इधर बैठो बैठो। थैंक यू। तो बेटा क्या करते हो तुम, हुँ? लड़कियों पे लाइन मारने के अलावा, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या करते हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार। ये हमारी बेटी बेटी है, बेटी आओ हमारी करीब आके बैठो। ये नहीं सुधरेगा मैडम, ये सुधरेगा। आओ अपनी मैया के पास बैठो। भगवान बहुत मजाक किया। तो क्या जवाब है आपका? आपकी तसल्ली के लिए हम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं। हाँ, आपसे तो ज्यादा हमें बहुत जल्दी है, जल्दी शादी करेंगे। आप अपने बूढ़ा बुढ़ी को बुलाओ। बूढ़ा बुढ़ी? बूढ़ा बुढ़ी मतलब माता पिता, गुड्डा गुड्डी की तरह ही होते हैं, बहुत से क्यूट होते हैं, जैसे कि मैं क्यूट हूँ। मेरे पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। तो तुम कैसे? मेरे बचपन में चल बसे थे। अच्छा, ओ ऐसा मजाक किया। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, वो इस वक्त अपने इलाज के लिए अमेरिका गई हुई है रिश्तेदारों के वहाँ पे,
तो सिर्फ मैं ही हूँ, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो। हाँ हाँ, हमको तो तुम पर पूरा भरोसा है। सकल से तू कितना खानदानी दिखते हो तुम, हमको कोनो ऐतराज नहीं शादी पे। तो कल 2 बजे कोर्ट में मिलते हैं। वो मैं मीरा से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? 2 मिनट? 4 मिनट? 4 मिनट लेके जाओ। मीरा कम कम। अब तुम्हारी शादी फिक्स होगी, कल हो भी जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो 21 तो बनता है ना, प्यार की तसल्ली के लिए। ये कैसा आदमी है? ओके, अगर इसने किस कर लिया मीरा को तो पता चल जाएगा कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है। घटिया आदमी। कुछ कीजिए आप मीरा को, कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, मना कीजिए। हाँ, कुछ बोले? नहीं 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 नहीं, बोलो किस नहीं है सब शादी के बाद, ऐसा बोलो। अभी कोई किस विस नहीं, ये सब शादी के बाद। अरे अरे किस्त तो मांग रहा हूँ, किस्त तो दे सकती हो यार प्लीज। नहीं नहीं, बोलो कि इंतजार करें, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल? ये कौन सा फल होता है? कुछ इतना कह रहे तुम, उतना करो, मैं फोन डालेंगे तुमको यहाँ। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे यार आज है ना मेरे राशिफल में 21 लिखी हुई है, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम इसे प्यार व्यार करती हो कि नहीं करती हो यार? 21 दे दो ना यार प्लीज प्लीज। क्या आदमी है ये, उसकी बैटरी लो रही है। इसकी बैटरी चली गई क्या? चार्ज क्यों नहीं किया इसको? पता नहीं अब। बिल्लू पुष्पा जी जल्दी अंदर आइए, सिचुएशन को संभालिए जल्दी। जी 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 जी, चलो चलो चलो। डर के मेरा ये फ्रीज हो गया। मेरा क्या हो गया तुम्हें? निकले बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने अपना घर नहीं दिखाया, हम तुम्हें अपना घर दिखाते। भगवान घर दिखाओ। भाई नॉट, मगर किसका घर? हमरा? नहीं नहीं, पड़ोस का। बहुत मजा किया है। बिटवा, ये घर शादी के बाद तुम्हारा ही तो होने वाला है। आवा आवा, कम कम कम। हमरे मेरा दूल्हा दुल्हन बनेगी, कल शादी होगी, है ना? हाँ। यहाँ पे हमने टिक कर दिया है, अपने दस्तखत कर दीजिए। हाँ। आइए। अभी अभी गवाहों के दस्तखत। हाँ हाँ, लड़की की तरफ से गवाह कौन है? 2 गवाह चाहिए लड़के और लड़की की तरफ से। आप दूर ठोलो, कर दूं। इसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा देवी जी। भाई नॉट। हो गया, ये लीजिए अपना छोटा साइन, आप भी कर दीजिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। बहुत बढ़िया जज। वरमाला पहना। बधाई हो। पिटका बधाई। आज के बाद से ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। रे रे रे, देख 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 देख, आज तो मीरा मैडम एकदम ऐसे सजा हुआ सेज पर बैठी हैं, देख ना मुझे देख। चीते बाप तक तो ठीक था, लेकिन ये मैं नहीं झेल पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए बिलौटे, अपना नस मत काटना, फिनाइल मत पीना, छत पर से मत कूदना, चाहे मैडम सर का बंदूक लेकर अपना खोपड़ा मत उड़ा लेना। ये सुसाइड का आइडिया क्यों दे रहे तू? करता तो फिर भी नहीं है तू। हो गया मीरा, तुमको अच्छे से याद है ना कि तुम्हें निखिल को क्या बोलना है? भूलना इज ह्यूमन वीकनेस। मैं मशीन हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती। मुझे अच्छे से याद है कि निखिल को क्या कहना है। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात हम कल भी कर सकते हैं। अगर कल कर सकते तो इम्पोर्टेंट कैसे होती? ठीक है कर लो तसल्ली, बोलो अपनी इम्पोर्टेंट बात क्या है। हमें एक दूसरे से 28 दिन के लिए फिजिकली दूर रहना होगा। क्या? लेकिन क्यों? आर ओन रिचुअल्स। मेरे पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है कि अगर हम एक दूसरे के करीब आए तो आपकी अकाल मृत्यु की प्रबल संभावनाएं हैं।
आप मर सकते हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी जान को कोई भी आंच आए, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा 28 दिन तक। अरे लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसा कैसे सोच सकते हो? गुड नाइट। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार, अरे मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार मेरी बात सुनो, आज हमारी स्वागत है यार। गुड नाइट। बाहर में जाओ। बच गया मैडम सर, अब तो मीरा सुरक्षित हो गई है ना, तो फिर अब इतना नजर रखने की जरूरत क्या है? माँ नहीं नहीं, नजर रखने की जरूरत है, इस निखिल का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। नहीं आई थिंक पुष्पा जी आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी सब कुछ सेफ ही लग रहा है। आप एक काम करिए, आप लोग चले जाइए, हम थोड़ी देर और देखेंगे। मैडम सर, मैडम सर ऐसा देखिए, उसको लग रहा है कि मीरा मैडम सो गई, इसलिए कुछ कर रहा है निखिल। जिन निकालेगा क्या जी इसमें से? अबे सोना पहचानने का पत्थर होता है वो। अच्छा ये तो नकली है। मैडम सर ये तो सारे गहने देख रहा है, ये भी नकली है। कहीं उसे शक तो नहीं हुआ ना कि मीरा मैडम पुलिस वाली है? नहीं 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 पुष्पा जी, इसको अगर शक हुआ होता ना तो ये तो निकल लेता, लेकिन ये देखो चोरों जैसी हरकत कर रहा है। तो फिर ये कर क्या रहा है? उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो पहचान गया है कि ये जेवर नकली है। अभी मीरा जी का दूसरा पर्स चेक कर रहा है ताकि उसमें कुछ पैसे वैसे मिल जाए। मुझे लगता है मैडम सर ये पैसों का चक्कर है। कैसा नीच आदमी है, पैसों के लालच में शादियां करता है और फिर उनके पैसे लेकर उन लड़कियों को छोड़ देता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें एक चीज समझ नहीं आ रही कि माना कि उसने पैसों के लिए ये सब किया है, तो पैसे गवाने के बाद वो चारों लड़कियां कहाँ गईं? मतलब वो घर वापस आ सकती थी, वो कंप्लेन कर सकती थी, वो कुछ नहीं तो किसी से कांटेक्ट कर सकती थी, कुछ तो करती, अचानक से ऐसे गायब क्यों हो गई? नहीं हमें ये नाटक जारी रखना होगा, जब तक उन चारों लड़कियों के बारे में पता नहीं चलता ये नाटक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो चार लड़कियां और उनकी हिफाजत, हमें उन तक पहुंचना ही होगा। हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? जय हिंद सर। जय हिंद। जी अपना टिफिन ही कहां पर छोड़ रहे? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। पिछले 20 घंटे से मीरा की लोकेशन आपके थाने में नहीं दिखाई दे रही है। अगर डीएसपी सर को पता चल गया कि हमने केस सॉल्व करने के लिए मीरा की शादी करवा दी है तो वो हम सबको सस्पेंड कर देंगे। सर देखिए मैडम, मेरी ये वाली बीवी भागी, मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं ना कि हाँ डीएसपी सर यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम आपसे बात करेंगे लेकिन बाद में। क्यों? ब्रेकफास्ट करना है ना सर। एक मिनट, इसकी बीवी भाग गई है, इतना परेशान है और आप लोग बोल रहे हैं बाद में नहीं, अभी इसकी रिपोर्ट लिखिए और पूछिए इसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर हम बाद में केस सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर मेरी बीवी भाग गई है। अच्छा ठीक है, आपकी वाइफ का फोटो है आपके पास? हाँ सर। सर गजब सर, आज तो चाट मसाला डाल के बना हुआ राजमा आज बहुत बढ़िया बने हैं, खा के तो देखिए। खाते हैं थोड़ी देर के बाद खाते हैं। लाइए मेरी बीवी मीरा। हाँ ठीक है
सर ये मेरी बीवी मीरा है सर। ये तुम्हारी वाइफ? हाँ सर, कल ही तो शादी हुई है। अच्छा सर, आप प्लीज अब केबिन में आएंगे, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताने की जरूरत तक नहीं समझी? सर हम बताना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। मीरा और निखिल की शादी हमारे पास एकमात्र तरीका है उन लड़कियों को ढूंढने का और निखिल की असलियत को बाहर लाने का। बस मलिक, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अरे मीरा एक मशीन है, वो निखिल के सामने अपना राज राज रख पाएगी? छुपा के रखेंगे सर, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। देखिए करिश्मा सिंह मीरा से कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट में है, वो उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। मैडम सर मीरा से हमारा संपर्क टूट गया। क्या? लाख कोशिश कर ली फिर भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है वो नेटवर्क एरिया से इधर उधर हो गई है मैडम सर। ओके, आपने लास्ट इंस्ट्रक्शंस मीरा को क्या दिए थे? हमने कहा था कि निखिल जो भी उससे सीरियसली गए वो उसका ऑर्डर फॉलो कर ले ताकि निखिल को उस पर डाउट ना हो। अच्छा, तो ये है आपका परफेक्ट प्लान। हम सब जानते हैं मीरा गायब है और किसी को कुछ पता नहीं है। सर देखिए, हम जानते हैं कि ये प्लान का हिस्सा नहीं था लेकिन हमें लगता है जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हम समझे नहीं? हम समझाते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, आपने मीरा को लास्ट इंस्ट्रक्शंस यही दिए थे कि वो निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करे, करेक्ट? हम सब जानते हैं कि मीरा को जबरदस्ती कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। इसका मतलब मीरा जहां कहीं भी गई है वो निखिल के ऑर्डर पर गई है और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो, चाहे वो मीरा हो चाहे वो दूसरी लड़कियां हो, वो जहां भी गायब हुई हैं उस सब के पीछे ये निखिल है। देखो मिस मलिक, आप क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर, हमको समझ में आ रहा है और मैडम सर बहुत सही बात कह रही हैं। देखिए मीरा का गायब होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये सबूत है हमारे लिए कि ये जो निखिल है ये सारे फसाद का जड़ है। अब वो चाहे भी तो अपने गुनाह इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो आपकी आप जाने, आज शाम तक किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर मीरा हेडक्वार्टर पहुंचनी चाहिए, नहीं तो आप अपना इस्तीफा लेकर आइएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। ओके करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मीरा जहाँ पर ओरिजिनली बनाई गई थी उस लैब को कांटेक्ट कीजिए, ऑफिशियली या अनऑफिशियली उनकी मदद लीजिए और उनसे कहिए कि हमें हूबहू मीरा जैसा एक प्रोटोटाइप चाहिए। ढांचा होगा तो भी चलेगा लेकिन चेहरा हूबहू मीरा जैसा होना चाहिए। क्लियर? जी मैडम सर। अब ये निखिल ही बताएगा कि उसने इन लड़कियों को कहाँ छुपा के रखा है। जय हिंद। जय हिंद। मेरी बात, अरे मैडम बात बहुत लंबा नपोगे तुम, समझे? अपनी बीवी को जान से मार के उसके गायब होने का रिपोर्ट लिखाते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? बेवकूफ समझते हो क्या तुम पुलिस को? तुम्हारी करिश्मा सिंह रुक जाइए, शांत हो जाइए। अरे मैडम मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है मैडम। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, अपनी बीवी से प्यार करता था, क्यों मारूंगा उसे? पुलिस स्टेशन में खड़े होकर झूठ बोलते हो? कौन है ये? यही है तुम्हारी बीवी मीरा जो हमें सड़क के किनारे पर मिली। इसके शरीर पर जगह जगह चाकू के निशान हैं और मरने से पहले इसने बाकायदा कहा है कि इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने इसे नहीं मारा? अरे नहीं मारा मैडम, ये मीरा हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये कोई और है। अरे ये कोई और है मतलब? तुमने इसी का फोटो दिखाकर कहा था ना कि ये तुम्हारी पत्नी है। हा? देखो अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसके परिवार वालों ने भी इसकी शिनाख्त कर ली है, इसके माँ बाप ने मान लिया है कि ये उनकी बेटी मीरा ही है। हाँ हाँ हमने भी मान लिया है। हाँ मान गया। अरे माता पिता ने मान लिया है। अरे आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम, ये मीरा नहीं हो सकती है क्योंकि ये कोई और है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मीरा ये काहे नहीं हो सकती। क्योंकि मीरा सेफ है मैडम। हाँ तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने उसे वहां पे भेजा मैडम। कहाँ? लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर फैजाबाद रोड पर एक मनुआ गांव है, मैंने उसे वहां पे भेजा। आप चाहे तो कंफर्म कर सकती है मैडम, प्लीज आप एक बार कंफर्म कीजिए। वो तो हम कंफर्म कर ही लेंगे लेकिन फिलहाल तुम जेल जाओगे, ले जाओ इसे। अरे मैडम मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे बस हो गया। अरे मैम चलो चलो, मैम मेरी बीवी थी। विवाह देवता न्याय देवता। चलिए 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 चलिए।
चलिए करिश्मा सिंह, पता लगा कर आते हैं कि ये निखिल सच बोल रहा है या झूठ। जी मैडम सर, चलिए। घर में कोई है? बाहर आइए। जय हिंद मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ मैडम सर। हमने तुमसे कब कहा है आने को? आपने कहा करिश्मा मैडम के ऑर्डर्स फॉलो करो, करिश्मा मैडम ने कहा कि निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करो, निखिल ने कहा कि जिनके घर जा रही हो उनके ऑर्डर्स फॉलो करो, उन्होंने ऑर्डर दिया कि घर के सारे काम करो, वो घूमने जा रहे हैं, तो घर के सारे काम कर रही थी मैडम सर, इनडायरेक्टली आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, अभी तुम यहाँ पहुंची कैसे ये बताओ जल्दी। निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करके मैडम, निखिल ने मुझे कहा था यहाँ पे आने के लिए ताकि वो मुझे सबसे बचा सके। नहीं, ऐसा क्या हुआ था, क्यों आई हो यहाँ, पूरी बात बताओ। अभी बताती हूँ। फ्लैशबैक। मेरा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे एक पुलिस वाला का मर्डर हो गया और बहुत जल्द पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ जाएगा। मेरा मेरा मुझे यहाँ से भागना होगा और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे चक्कर में पुलिस तुम्हें टॉर्चर करे, तुम्हें परेशान करे। एक मिनट है, मेरा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी तुम्हें भी हो। मेरा लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर एक नोवा काव है, वहाँ पे मैं तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तुम्हें वहाँ पर अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी है और घर वालों और रिश्तेदारों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि पुलिस वालों ने हमारा फोन टैप कर रखा होगा। मेरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आई लव यू मीरा, आई रियली लव यू मीरा, प्लीज प्लीज जाओ, जाओ भागो यहाँ से, प्लीज मीरा भागो यहाँ से, जाओ मीरा प्लीज भागो, जाओ प्लीज भागो, जाओ मीरा जाओ प्लीज। ये कैसा घटिया आदमी है निखिल, एक नंबर का टोपा आदमी है। यही झूठी कहानी उसने सारी लड़कियों को सुनाई है, इसीलिए किरण मीरा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर उस दिन भाग गई थी। और ये इश्क का नाम, इश्क का ढांचा देकर उसने सारी लड़कियों को ऐसे दूर दराज किसी जगह पर भेज दिया ताकि वो जाए और दोबारा किसी और से शादी कर ले। ये बहुत स्मार्ट आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है हम उन लड़कियों के लिए जो उसके प्यार के झांसे में आकर अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जा कैसे सकती हैं। इतना प्यार में पागल कोई, हमें यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, तेरे इश्क की दीवानगी देख कहाँ ले आई, खुद को खो दिया आईने में, पहचान भी खुद की गवाई। दिमाग भर आ गया। मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है करिश्मा सिंह, चलिए अब ये सच निखिल के मुंह से सुनते हैं। जी मैम। बस यही करता था मैम, लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी करता था और फिर मर्डर वाली झूठी कहानी सुनाकर उन्हें दूर दराज भेज देता था ताकि दूसरी लड़की बटा सकूं और उस लड़की से शादी कर सकूं और फिर उस लड़की को जितना लूट सकता हूं उतना लूटूं। ना प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, पर प्यार में अकल से अंधे कैसे हो जाते हैं ये देखना हो तो इन लड़कियों को देखो ना। मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम ऐसे चूरन के लिए अपना जिंदगी बेच देती हो? हाँ, कुछ भी करने को तैयार हो जाती हो, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो तुम लोग। हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने, हम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, यही डिजर्व करते हैं हम, ऐसे उल्लू के पट्टे के हाथों धोखा खाना। कानपुर के किसी बस्ती में भेज दिया हमको, नाम पहचान सब बदल डाला और हम बेवकूफों की तरह इसकी हर बात ऐसे मानते रहे जैसे सुनना समझना बिल्कुल आता ही ना हो हमें। बहुत बढ़िया, किरण को तो हम यहाँ ले आए हैं मैडम सर, बाकी जो जो लड़कियां बची हैं वो लोकल पुलिस मदद से यहाँ आ जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ तो हम ऐसा पक्का केस बनाएंगे कि इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। किरण, रिश्ते ना बहुत ही साफ और मासूम होते हैं, इसलिए बहुत आसानी से किसी से भी जुड़ जाते हैं। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ हो। प्यार में पड़कर आंखों पे, दिल पे, दिमाग पे, हर जगह पर्दा पड़ जाता है, हम अच्छे से जानते हैं।
ऐसी चिकनी चुपड़ी फैंसी बातों में फंसना क्या होता है हम समझते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस बात की सजा खुद को मत दो, इससे बस ये सबक लो कि आगे से तुम्हें सतर्क रहना होगा। प्यार जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है जो चुपचाप दिल पर दस्तक देता है, उसे किसी तमाशे की जरूरत नहीं है। इसलिए खुद को माफ करो और अब सही इंसान को अपने दिल में आने की जगह दो। और एक बात, हमें लगता है कि इस केस को सॉल्व करने का सही क्रेडिट जाता है मीरा को। इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से टू द पॉइंट फॉलो किया और इसी वजह से हम इस केस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। कांग्रेचुलेशंस मीरा। थैंक यू मैडम सर। थैंक यू मैडम सर कि आपको मेरा परफॉर्मेंस इस केस में अच्छा लगा। मैंने इसकी रिपोर्ट बना के हेडक्वार्टर्स भेज दी है। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 डेज इन महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। 10 कामयाब दिन महिला पुलिस थाना में, अब 80 दिन बचे हैं। थैंक यू मैडम सर। मीरा जी, मुझे यकीन है आप परमानेंटली इसी थाने में रहोगी और डिपार्टमेंट को भी यही करना होगा। अब तो हमारा और आपका परमानेंट रिश्ता होने जा रहा है। देखो हमें भी बताइए, इतना ही फनी है तो क्या जोक जिस पर आप इतना हंस रहे हैं? मैं जोक पे नहीं हंस रहा हूँ, मुझे कंप्लेन लिखानी है। अच्छा तो कंप्लेन लिखाने के बाद जोक सुना देना। ओके, मेरे घर चोरी हो गई है मैडम। तो हंस किस पे रहे हो, जोक पर या फिर चोरी पर? अरे मैडम मैं जोक पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुस्सा कंट्रोल इसलिए हंस रहा हूँ मैडम। तो आप उस इंसान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं जिसने आपको इतना खराब जोक सुनाया कि आपको इतना गुस्सा आ गया? नहीं मैडम, मेरे घर में चोरी हुई है, मैं इस पे हंस रहा हूँ मैडम। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप हंसे ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल हो, इसलिए मैं हंस रहा हूँ मैडम। सॉरी। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप हंसते हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? हाँ, छोटी सी बात के लिए थाने दौड़ के चले आए? ध्यान से ढूंढेंगे तो मिल जाएगी ना, फालतू में इतना परेशान हो रहे हैं आप। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है ना मुझे आर्गुमेंट्स पसंद नहीं है। रिपोर्ट लिखानी है तो मतलब रिपोर्ट लिखानी है, और कीमत उस चीज की नहीं होती है, कीमत उस चीज की वैल्यू की होती है। और तुम्हें क्या पता यार उस चीज की क्या वैल्यू थी मेरे लिए। दिला दिया ना गुस्सा फिर से मुझे, मैंने कहा था। सॉरी। अब ये रोना धोना बंद करो, घर जाओ। अमाओ, घरेलू हिंसा सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाने से नहीं होता, उनका अपमान करने से भी होता है, समझे? वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। अपने पत्नी पर ऐसे चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हमको गुस्सा आ जाएगा, और हमको गुस्सा आ जाएगा तो दुनिया का कोई जोक तुमको हंसा नहीं पाएगा, समझे? हाँ, अब शांति से बताओ कि समस्या क्या है, आओ। सॉरी, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं ढूंढती हूँ। चलो चलो। जी, ये पेन किधर गया? यहीं तो रखा था। What is today's rates of onion? कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ, बताइए आपके घर से क्या चोरी हुआ है? ये देखिए। ये जो हाथ पे घड़ी मैंने बांधी है ना, ये चोरी हुई है। कल रात को मेरे घर से इस हाथ पे बांधता था मैंने घड़ी। ओ अच्छा, ये इसका टेंशन मत लीजिए, एक वाइटनिंग क्रीम है मेरे पास, उसका नाम लिख कर दे दूं, आप वो लगाएंगे ना तो एक हफ्ते में वो निशान मिट जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां पे कोई निशान था। मैं बोल रही थी ऐसा कि मैडम देखिए, चोर कितना बेवकूफ है, उन्होंने गले में कितनी मोटी सोने की चेन पहनी हुई है, वो छोड़कर वो घड़ी चुरा के ले गया। घड़ी आपकी महंगी थी? दिस इज टाइम आर्ट ब्रांड, रीजेंट मॉडल, मेक 2010, एंड द प्राइस एट दैट टाइम वाज 890 रुपीज।
मां कसम। सॉरी 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 मैडम, देखिए वो घड़ी मेरे लिए प्राइसलेस थी। मेरे डैड ने अपने आखिरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट की थी मैडम। मैंने उसे बहुत संभाल के रखा था मैडम, वो चोरी हो गई। प्लीज प्लीज आप चोर को ढूंढिए, वो घड़ी मुझे दिलवा दीजिए प्लीज मैडम। कई बार क्या होता है ना कि हम बेध्यानी में चीजें रख के ना भूल जाते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं रखा हो लेकिन आप भूल गए हो। आपने घर में अच्छे से चेक किया है? मेरा यकीन कीजिए मैडम, वो घड़ी मैंने कहीं गलती से नहीं रखी है, वो चोरी हुई है मैडम मेरे घर से, वो भी कल रात को। आप प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज उस चोर को ढूंढिए और मेरे डैड की घड़ी मुझे वापस दिलवा दीजिए। ठीक है, कम करते हैं कुछ। जाओ जाओ जाओ, ये रे बदनाम स्पेशल चाय। लेकिन क्वालिटी तो चेक करनी चाहिए ना। हम बिल्कुल करनी चाहिए। क्या हुआ? नहीं, मेरा क्वालिटी चश्मा कहाँ गया? लाया था। कहाँ गया मेरा चश्मा? कहाँ गया? अरे इधर रखा होगा। अरे इधर रखा था, नीचे कुछ गिरा होगा। अरे देख के चलना बाबा। क्या हुआ क्या? लेकिन क्या हुआ वो तो पेट खराब होगा ही। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये उजड़े चमन अपने बाल ढूंढ रहा है। हो गई बेइज्जती का सेशन, हो गया। माँ तुम्हारे लल्ला का चश्मा गुम हो गया है। हमारे लल्ला का? हाँ। हमें कैसे नहीं पता? माँ ये मेरा चश्मा गुम हो गया है। अरे कहाँ हमारा लल्ला, कहाँ तुम? क्या बिल्लू, तुम भी ओवर एक्टिंग करने लग गए हो। देखिए तो तुम भी का मतलब मैडम सर? मतलब बदनाम भी करता है ना ओवर एक्टिंग। कोई बात नहीं, अंदर छूट गया होगा, मिल जाएगा। चोर के साथ चोरी हुई है, चोर को सुना डूब के मर जाना चाहिए। तुम तो स्वाहा ही हो जाओ, मेरा चश्मा। पुष्पा जी, चीते को क्या हुआ? कब से बाथरूम में ये निकल ही नहीं रहा है। अरे उसका पेट खराब हो गया है। ऐसा क्या खा लिया उसने? हमको नहीं पता, मगर कब से जलबीर मछली की तरह झटपटा रहा है वो। पुष्पा जी क्या कर रही है? और आपने क्या खाया? हमने हल्के फुल्के फुलके खाए और नहीं 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 नहीं, चुआ नहीं है, चुआ नहीं है, बिल्ला है नीचे। बिल्ले बाहर, उसको पहले बाहर निकालो। बिल्ले बाहर। अरे पुष्पा जी बाहर, बिल्ले मोर खाओगे तुम। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे थे बिल्लू? मैडम सर, माय चश्मा इज मिसिंग, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। तुम रहने दो, मीरा स्कैन करो, देखो चश्मा कहीं मिलता है क्या। यस मैडम सर। क्या हुआ, मिला चश्मा? नो मैडम सर, चश्मा तो नहीं मिला, पर कुछ और मिसिंग है। क्या? आपकी गन। हमारी गन कैसे गायब हो गई? रूल्स फैक्ट्स, ऑन ड्यूटी सर्विस गन खोना, सजा, जुर्माना, लाइन हाजिर, सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है मैडम। क्या हुआ मैडम? चश्मा तो नहीं मिला, पर कुछ और मिसिंग है। क्या? आपकी गन। हमारी गन कैसे गायब हो गई? रूल्स फैक्ट्स, ऑन ड्यूटी सर्विस गन खोना, सजा, जुर्माना, लाइन हाजिर, सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है मैडम। हाँ हाँ पता है, हमको पता है, बड़बड़ाने का जरूरत नहीं, हमें पता है क्या होता है गन खोता। तो मैडम सर, आपने कहाँ रखा था गन? यही होल्स्टर में। नहीं मतलब, हो सकता है निकालने के बाद आपने सर्विसिंग पे दिया हो या फिर किसी और वजह से निकाला, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, होल्स्टर में थी, हम कहीं और कहाँ रखेंगे। तो गन होल्स्टर में से गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चला? ओह माय गॉड, हमें भी इसी बात की हैरानी है कि इतनी भारी चीज हमारे होल्स्टर में से गायब कैसे हो गई। और अगर किसी ने मजाक किया है तो एक पुलिस ऑफिसर की गन चोरी करने जैसा घटिया मजाक कौन करने की हिम्मत कर सकता है? मैडम सर, पर चिंता का बात अभी ये है कि जिसने भी आपका गन चुराया उसने दुरुपयोग कर लिया तो, और लपेटे में सिर्फ और सिर्फ आप आएंगे। इस इंसान को ढूंढना होगा जिसने भी आपका गन चुराया। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, फॉलो मी। हाँ और नहीं नहीं आप नहीं, आप। मेरा चश्मा किधर गया? ढूंढ रहा हूँ, कब से मिल ही नहीं रहा। अरे अंधा पिसाच नाना, हमसे टकराओ मत बाबू, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं हम। हमसे टकराएगा ना बिलोटे, हम बिखर जाएंगे। हमसे मत टकराओ बिलोटे। क्या हुआ? ना बिलोटे क्या हुआ?
मेरा चश्मा देखा, मेरा चश्मा। ए आगे से ले। मैडम सर, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मतलब ऐसे आप बार बार बोल रही ना कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है, एक बार आप बता देंगी कि कहाँ जाना है तो डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाएंगे। गंज नगर के गोलगप्पे वाले की दुकान पर। सॉरी मैडम सर, आपकी सर्विस गन गायब है और आप गोलगप्पे के लिए कह रही हैं, एक बार गन ढूंढ लेते हैं उसके बाद साथ में गोलगप्पे खाएंगे। संतोष शर्मा, हम गन ढूंढने ही जा रहे हैं। पेट्रोल के बाद पुष्पा जी और चीता चतुर्वेदी ने जिद की कि उन्हें गोलगप्पे खाने, इसलिए हम उन्हें वहां ले गए और थाने आने से पहले वही लाश जगह थी जहां हम गए थे, तो हो सकता है गन वहां गिर गई हो, किसी ने ले लियो, पता नहीं क्या, जो भी। आप जल्दी चलिए प्लीज। ऐसे आ रही हैं आप मैडम सर? पुष्पा जी ना जब से आई है तब से डकारे ही मारी जा रही है, और मैंने उनसे पूछा मैडम सर कि पुष्पा जी आपने क्या खाया है, तो कह रही थी कुछ नहीं, बस 8-10 हल्के फुल्के फुल्के खाए हैं। और चीता भी कम नहीं है मैडम सर, चीते ने भी गोलगप्पे खाए, कब से बाथरूम के चक्कर काट रहा है वो, और मैंने पूछा तो उसने भी मुझसे झूठ बोला। उसको तो मैं बताती हूँ। संतोष शर्मा स्टॉप। गाड़ी नहीं, आप। आई एम सॉरी, हम थोड़ा वो गन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। गाड़ी चलाऊं? हाँ प्लीज चलाइए। हम इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं? अगर गई, कहाँ गई हमारी गन? हे भगवान, तूने पुलिस वाले की बंदूक चुरा ली? क्यों जरना, क्यों? आपको तो मालूम है ना माजी, मजबूर थी, अब तो हो गई ना गलती। गलती? तुझे पता है तुमने क्या किया? अरे उन लोगों को पता चल गया ना तो जिंदगी भर के लिए तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। अरे तेरी इस गलती की वजह से बैठे बैठे हम सब पर मुसीबत आ गई। अरे क्यों किया तूने बहू ऐसा? अरे कहाँ जा रही बंदूक लेके? अगर पुलिस को होगी तो, अगर उन्हें तेरी इस हरकत के बारे में पता चल गया होगा तो। चल जा, छुपा उसको। अलमारी में छुपा देती हूँ। अरे अरे पगली, कहाँ छुपा रही है? अलमारी में नहीं छुपाना। अगर वो तलाशी लेने के लिए आई होगी तो सबसे पहले अलमारी तलाश करेगी, कहीं और जाके छुपा। जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जी हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं और ये है चीता चतुर्वेदी जी। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते जी। कहिए। अरे आप लोग, सुबह ये थाने में गई थी रिपोर्ट लिखवाने, इस चक्कर में तो पुलिस वाले नहीं आए। क्या हुआ, आप ही के घर चोरी हुई है ना, कि आप कहीं चोरी करके आई हैं? हाँ नहीं 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 नहीं। तो दिखाइए कहाँ चोरी हुई है। हाँ चल चलिए, आइए दिखाइए। आइए आइए। यही वो कमरा है जहाँ चोरी हुई है? जीते चलो पूरा कमरा अच्छे से छान मारते, देखते कहीं सुराग मिलता है क्या। क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम देखते हैं, हम देखते हैं। वो अलमीरा खोल के दिखाओ। सब तो ठीक है और कुछ तो चोरी नहीं हुआ ना? नहीं। पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी। क्या हुआ? नीचे हमको ना, यहाँ पर नीचे ना कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? वही जो सुबह में महसूस हो रहा था पुष्पा जी। क्या? बुलबुले बुलबुले। मैडम आपके घर में बाथरूम कहाँ पे है? इधर, एक सेकंड पुष्पा जी। अच्छा सर, अब जय हिंद सर, आप यहाँ? जय हिंद, वापस चले जाएं? नहीं नहीं सर, वो मतलब थोड़ी ना था हमारा, हमारा मतलब था कि आप। नहीं, फिर मतलब क्या था? अरे भाई हम यहाँ के डीएसपी हैं, ये महिला थाना हमारे अंडर आता है, खोज खबर लेने आना पड़ता है। एक काम करिए, एसआई मीरा को बुलाइए, अपडेट लेनी है। सत्यानाश, अब डीएसपी सर मीरा से बात करेंगे और वो उन्हें मैडम सर की चोरी हुई गन के बारे में बता देगी, सब अंडर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे करिश्मा सिंह, कुछ सोचो कुछ सोचो।
जय हिंद सर। जय। हाँ ऐसा ही मेरा। बताइए इस थाने के बारे में और अपडेट दीजिए। अपडेट अपडेट सर आप लीजिएगा ना अपडेट, उससे पहले आपको बदनाम की चाय पिलाते हैं गर्मा गर्म एकदम। आइए सर। बदनाम की चाय एकदम बकवास चाय होती है, मुझे नहीं पीनी है। नहीं नहीं सर आपको पता नहीं है, वो अब बकवास चाय नहीं बनाता है, एकदम सनसनीखेज टेस्टी चाय बनाता है। और सर आपको पता है उस साथ में ना आपका वो फेवरेट बिस्किट है ना वो फ्री भी देता है, दो। वो मस्का वाले बिस्किट? हाँ सर वही बिस्किट। आइए सर हम आपको चाय पिलाते हैं पहले फिर। अरे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपने याद किया और बदनाम बदनाम स्पेशल चाय लेकर हाजिर है आपके लिए। दरअसल मैंने आपको आते हुए देखा था अंदर, तो मैं सीधा अंदर घुस गया सर। ये लीजिए। ये फ्री वाले बिस्किट कहाँ है? अरे सर चाय भी फ्री की है, इसके पैसे कहाँ मिलते हैं? इसकी मियां की सासू मियां। अरे मैडम आपने कुछ कहा क्या? नहीं हम बस ये कह रहे हैं, हो गया तुम्हारा? हाँ हो तो गया, बस बिल बाकी था। रॉकेट बनो और कटो यहाँ से। ठीक है मैडम रॉकेट। गलती हो गया सर हमसे, माफ कीजिए हमें। कैसी गलती होती है आपसे, पूरा अंदर जल रहा है। आप एक काम कीजिए आप वॉशरूम जाइए और पानी मार लीजिए, दाग लग जाएगा वर्दी पे, जाइए सर। आप शांत रहिए। अरे आपका दिमाग है क्या? अब अभी के अभी हसीना मलिक को बुलाइए, जल्दी करिए। सर मैडम से तो या नहीं है। तो कहाँ गई है? गन ढूंढने। गन ढूंढने? किसके गन ढूंढने? नहीं सर बताओ बताओ आप बताओ। हसीना मैडम ने अपनी सर्विस गन खो दी, शी लॉस्ट हर सर्विस गन, वही ढूंढने गई हैं। हसीना मलिक ने अपनी सर्विस गन खो दी है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वायरस आ गया है। गन में वायरस आ गया? नहीं नहीं सर ये टीन के डब, ये ऐसा ही मीरा में वायरस आ गया। देखिए ना कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बोलती रहती है। वो घर में छोड़ आई ना, भूल आई गन, तो वो लेने गई है, वो आ रही होंगी अपने गन के साथ। ये झूठ बोलती है सर, बहुत झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मशीन हूँ और मशीन झूठ नहीं बोलती। सर ये देखिए आप इस पे भरोसा करेंगे आप? ये जिस पे मैग्नेट के संपर्क में आती है तो बोरा जाती है, एकदम नाचने लगती है। हाँ सर थोड़ा सा पानी गिरता है ना इसके ऊपर तो चिरमिरा जाती है, ये बैटरी लो हो जाता है तो ढेर हो जाती है। आप ऐसे ऐसे मशीन पे भरोसा करेंगे? सर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है सर? हाँ इन्हें मुझ पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंसानों की तरह झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मैं जब भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। लीजिए आ गई हसीना मैडम, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, क्या इन्होंने अपनी सर्विस गन खोई है या नहीं। मिस मलिक ये सही मीरा क्या कह रही है, आपने अपनी सर्विस गन खो दी है? क्या कह रही है आप मैडम? हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे को भी चश्मे लगेंगे शायद, ज्यादा ही दिखता है कुछ। मिस मलिक हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सच है आपने अपनी सर्विस गन खो दी है? ये सच है सर, हमसे हमारी सर्विस रिवॉल्वर खो गई है। और ये सब हुआ कैसे? सर कैसे हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। थाने की SHO जैसी जिम्मेदार पोजीशन पर हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है। राइट आपको भी मेरी तरह अपने सिस्टम को अपग्रेड करवा लेना चाहिए। अगर कोई मेरी सर्विस गन को टच करेगा तो उसे इतने हाई वोल्टेज का करंट लगेगा कि वो दोबारा कभी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। वेरी गुड SI मेरा, मशीन कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए डिपार्टमेंट का ये मानना है कि मशीन इंसानों से हमेशा बेहतर सुरक्षित और साधन संपन्न होती है। मशीन कभी गलत हो ही नहीं सकती। सर देखिए हम जानते हैं कि हमसे जो हुआ है उसके लिए कोई भी सफाई कोई भी दलील कोई भी वजह
कुछ भी वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी सर, आपको जो सजा सही लगती है हमें मंजूर है। बस मलिक, आपने कोई छोटी त्रुटि नहीं की है, बहुत बड़ी त्रुटि की है, और इस त्रुटि के लिए आपको अभी इसी समय निलंबित किया जाता है। जानती है कब तक? तब तक जब तक आप अपनी सर्विस से रिवॉल्वर ढूंढ नहीं लेती और ढूंढ कर हेडक्वार्टर में दर्ज नहीं करा देती। जय हिंद सर। जय हिंद। जरूरत था सच बोलने का मैडम सर, और बोलिए सच। निलंबित करके चले गए हैं आपको डीएसपी सर। हम कहते कहाँ पड़ी थी आपको सच बोलने की, जब हमने कह दिया था कि जो गन है वो आपके घर में आपने कहीं रखा है मिल जाएगा, तो किसी को कहाँ पता चलता कि वो खो गया है? काहे आपने सच बोल दिया? करिश्मा सिंह, सच बोलने से आज तक किसी का कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। एक मिनट मैडम सर, आप सस्पेंड हो गई हैं। ये सच बोलने से नुकसान नहीं हुआ है तो हमें आपके सच और जिद का हमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। नहीं, आपके आपको जो ये सच का, हमेशा सच की प्रतिमूर्ति बनने का जो शौक है, लोगों की नजरों में हीरो बनने का जो शौक है, और आपको ये जो लोगों की खोखली जय जयकार का जो शौक है, ऐसा सच्चाई आप ही को मुबारक। हमें ये सच्चाई का खोखला आदर्शवाद हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं मैडम सर, आपके सच की वजह से ना हमारा थाना आज दाव पर लगा हुआ है। देखिए करिश्मा सिंह, हम समझते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रही है मैडम सर। आपका ये अड़ियल बिहेवियर जो है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमें भुगतना पड़ता है इसके चक्कर में। जिस तेजी से आप इस टीन के डब्बे को सपोर्ट कर रही है ना मैडम सर, हम आपको बता रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस थाना में इंसानों की जगह ऐसे टीन के डब्बे ऐसा मशीन नाच रहा होगा और हम अपने घर में बैठकर अपने इस उज्जवल भविष्य पर तालियां पीट रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मीरा को सही साबित नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम कुछ भी कर डालेंगे। करिश्मा सिंह, हम भी मशीन्स के सपोर्ट में नहीं है, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन बात यहाँ पर मीरा या हमारे आने वाले मशीन के फ्यूचर की नहीं है, बात है यहाँ पर सच और झूठ की, और हम सच का साथ दे रहे हैं, सही का साथ दे रहे हैं। वही आपको समझ में नहीं आता है, सच और सही का अंतर। हम सही के लिए लड़ते हैं और आप सच के लिए लड़ती है, और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लड़ाई है ना, ये आज तक जारी है। प्यार और लड़ाई में सब जायज होता ना, तो हम आपको वापस लाएंगे। लेकिन इस बार आपके लिए नहीं मैडम सर, इस बार हम आपको वापस लाएंगे थाने के लिए और हमारा वर्दी के लिए। जय हिंद। मैडम सर, मैडम सर, यहाँ यहाँ यहाँ। ओह मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमने किया है, फिर ये तो देखिएगा, आप बहुत जल्द वापस आएंगी यहाँ अपने ही थाने में। आत्मा के बिना शरीर का क्या मतलब है बताइए? और जिसने भी आपकी गन चुराई ना, उसको तो हम श्राप देते हैं, उसको ना हैजा खाए, उसको वो नरक में जाए, उसको फूसी फूटे, उसको हाँ हाँ एक हम निकाले दे लीजिए। हेलो, हमारी गन आपके पास है क्या? आपकी गन हमारे पास है। कौन बोल रहा है? मैडम, मैडम, आपकी गन ना हमारे पास है, हम आपको लुटाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं और हमारी गन चुराई ही क्यों? जी, ये सब बातें तो हम आपसे मिलकर ही बताएंगे, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा, आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। एक बात आपको हमारी मंजूर करनी होगी कि आपको हमसे मिलने के लिए अकेले ही आना होगा। देखिए, क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? मंजूर है, कहाँ मिलना है और कब?
हमारा बस चलता तो हम अभी मिल लेते, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है। अभी हम कल मिलेंगे 11 बजे हनुमान मंदिर के पीछे कैलाश नगर। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम। कौन था मैडम सर जिसके पास आपकी गन है? पता चलते ही बता देंगे पुष्पाजी। चक्कर क्या है? गन लौटानी ही थी तो चुराई क्यों? सही कहती है पुष्पा जी। जीते सही कहती है ना, सही कहती है कि हम लोग शादी कर लेना चाहिए संतु जी। थाने की वास्तु की बात कर रही हूँ मैं चीते। सही कहती है पुष्पा जी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। पुष्पा जी से कह के कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसके। मैडम सर के लिए बस यही प्रे करती हूँ कि उनकी गन जल्दी से जल्दी मिल जाए। हाँ संतु जी, हम लोग का कुंडली मिले चाहे ना मिले, मैडम सर का गन मिलना ना बहुत जरूरी है। मतलब संतु जी आइए ना, इससे पूछते हैं। भाग गए तो भैया ये देखिए भैया। मैडम मैं मोबाइल नहीं बेचता, मोबाइल की दुकान वहां पर है। भैया ये फोटो देखिए, घड़ी देखिए और बताइए। इतना पुराना मॉडल क्यों लेना चाहती हैं मैडम आप? मेरे पास लेटेस्ट घड़ियां हैं ना, मैं दिखाऊं आपको। भैया हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि घड़ी जो यहाँ पर मोबाइल में है, ये घड़ी कोई लेकर आया था क्या? ये चोरी का घड़ी है। ये रही आपकी घड़ी। संतु जी तू तो चोरी किया हुआ घड़ी है, मतलब चोरी का माल बरामद हो क्या? नहीं नहीं जीते, चोर तो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक मिनट भैया, आपको ये घड़ी कौन बेच कर गया? बेच कर नहीं, रिपेयरिंग करने के लिए देखे गए थे। का? अब किसने? वही वो जो मैडम उस फोटो में दिखाई पड़ रही है, और उनके साथ एक अंग लेडीज भी थी। कौन महिला थी? अंग यंग। जी 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 वही बोला मैंने। गाचा गाचा। नहीं सर, एक बार आप, हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सर, ये मेरे ऑर्डर हैं। करिश्मा सिंह, गन मीरा ही ढूंढेगी और ये केस मीरा ही हैंडल करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? हम सब जानते हैं, पर आप ये जानने की कोशिश कब करेंगी कि मीरा जब तक कोई केस अकेले हैंडल नहीं करेगी तब तक वो सीखेगी कैसे? सर लेकिन कम से कम हम मीरा के साथ तो जा सकते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, खाके देखेंगे, मना मत कीजिएगा। आपने हमेशा हमारे हाथ का राजमा चावल खाया है, आज खिचड़ी तो खाके देखिए और बताइए कैसी बनी है। खाई खाई। अच्छा ठीक है, वाह बहुत बढ़िया बढ़िया बनी है ना। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि आपको ये पैक करके दी भाभी जी के लिए। अब थोड़ी बची है। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो कर दीजिए, मगर भाभी जी को ही दे दीजिएगा। हाँ, वरना गाड़ी में बैठ के खत्म मत कीजिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं कह रहा था करिश्मा सिंह, हम अच्छा वो डिस्पोजेबल में देखिए, हमारा टिफिन आप लेके जाएंगे। तो काम करिए, अपने टिफिन में दे दीजिए, बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है। तो करिश्मा सिंह आप क्या करेंगे साथ में जाकर बताइए भला? आपके महिला थाने में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उनको देखिए। आज ही 890 की घड़ी चोरी का केस आया है। लीजिए, आपके लायक केस आ गया। आप घड़ी ढूंढिए और मेरा गन ढूंढेंगे। सर खाइए ना, और खाइए ना, लीजिए लीजिए, खत्म कर दीजिए। हाँ तो ठीक है। सर हम क्या कहते हैं, मीरा एक मशीन है, अकेले कैसे कर पाएगी ये काम? कोई तो साथ में चाहिए ना सर। आप है ना पुष्पा जी, आप जाइए साथ में। देखिए भाई, मीरा आपके सीनियर है, उनके ऑर्डर फॉलो कीजिए। हाँ तो भाई, हमारा पार्सल भिजवा देंगे सर किसी के हाथों। अच्छा ठीक है, तो हम भी आपको टिफिन भिजवा देंगे, हम चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद। आप कहाँ जा रही हैं पुष्पा जी? मेरे पीछे आइए, जाइए।
तुम जो ये फ्री का राशन तोड़ रहे हो ना बिल्ले, तुम्हें लगता है तुम्हें वो तुमको झेलेंगे वो? सबसे पहले तुम्हारा घर ही बेघर होगा, ये बात ध्यान रखना तुम हमारा, समझ रहे हो? ओहो, चाय पी के जाते हैं। ए, दो कटिंग चाय नहीं पी रहे हैं। फोन आया हमारा। फोन आया? हाँ संतु बोलो। कुछ तो गड़बड़ है मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। हम आओ सीआईडी, कुछ तो गड़बड़, कुछ आगे आगे बोलो। मैडम घड़ी चोरी ही नहीं हुई का? हाँ मैडम, यहाँ पर ना एक घड़ी वाला है, उससे हम लोग पूछताछ किए हैं, पता जो चला है ना, आप जानिएगा आपको भी झटका लगेगा। इस सुबोध का घड़ी ना और कोई नहीं, उसकी माँ और उसकी बीवी ही देने आए थे। नहीं नहीं, एक मिनट हमको समझने दो। जिस घड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसका रिपोर्ट सुबोध ने लिखवाया है कि वो चोरी हो गया है, वो घड़ी चोरी नहीं हुआ है, वो घड़ी उसकी माँ और उसकी पत्नी लेकर गई थी घड़ी वाले के पास। हाँ मतलब घड़ी का कोई शीशा टूट गया था वो रिपेयर करवाने के लिए, पर सवाल ये है मैडम कि जब घड़ी चोरी ही नहीं हुई तो सुबह थाने क्यों आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए? अब ये चल क्या रहा है ये? हेलो मैडम, हेलो। मासूमियत संतु जी, फोन काट दी मैडम। पकड़ो इसे। आपको क्या लगता है माची, ऐसा सच्चू मैडम हमें माफ कर देंगी ना? अरे क्यों नहीं करेगी माफ, जितना मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत ही भले और नेक ऑफिसर हैं और समझदार भी हैं, तो चिंता मत कर, वो हमारी मुश्किल भी समझेंगी और हमें माफ भी कर देंगी। झरना, पुलिस, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है माची? हमें लगता है सीना मैडम को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने ही नहीं हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। आप गलत थी, हमें सीना मैडम पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हमें भागना होगा, हमें जेल नहीं जाना है, हमें जेल नहीं जाना है। ड्राइवर गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। अरे अरे रुक 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 रुक, ये पुलिस को देख कैसे भाग कर गई? अरे पुलिस को देख के वही बनता है मोर जिसके मन में होता है चोर। मैया की सासू मैया, चल क्या रहे हो? स्कैन करेंगे क्या आप? नहीं, पूरा शहर स्कैन करना है, कहीं तो मिलेगी मैडम सर की गन। अब ये मत कहिए कि पूरे देश में नहीं मिली तो पूरी दुनिया स्कैन करेंगे आप। जरूरत पड़ी तो वो भी। जब तक हमें गन नहीं मिलती ना तो हम थाने वापस जाएंगे और ना आप घर जाएंगी। अरे क्या पागल हो गई? बी केयरफुल, आई एम योर सीनियर, लाइन हाजिर हो जाएंगी। ये सीख लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कभी कोई अपनी खोई हुई चीज ढूंढता है क्या? मतलब उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। ऐसे तो हम आपके साथ ही बूढ़े हो जाएंगे। हो जाएंगे? Lost object found. Take a U-turn. क्या? Take a U-turn. लेकिन क्यों? Take a U-turn now. I'm your senior. Follow my orders. हाँ हाँ। गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी, वो जा रहे हैं। अरे हाँ चल रहे हैं। अरे हाँ चला रहे ना। बिल्ले, क्या पुष्पा जी, क्या ये? बाप, क्या है ये? क्या है क्या? देख के नहीं चला सकती आप गाड़ी? हाँ आप कौन सा देखकर चला रही थी? अंधाधुन अपनी मस्ती में गाड़ी चला रही है। अरे हाँ, हम कैसे भूल गए, ये सड़क तो खरीद ली है ना आपने, हाँ तो लोग तो अपने आप आपको रास्ता देंगे। अरे रुकिए रुकिए, महारानी साहिबा की सवारी आ गई, रास्ता दे दो उन्हें। देखिए हमारा तपा हुआ दिमाग और हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने का जरूरत नहीं, समझ रही आप हमारी बात को? फिर हम कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे ना तो मिर्ची फिर आपको लग जाएगी। देख आपकी वजह से वो भी भाग गया। और हाँ एक बात याद रखिए, हम सास हैं आपकी। हाँ हाँ है, बिल्कुल है आप सास हमारी, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, आप घर पर हमारी सास हैं। हाँ तो आपको भी ड्यूटी खत्म करने के बाद उसी घर में आना है जहाँ हम सास हैं, समझ गई ना? क्या क्या हो क्या रहा है? इस सड़क पर पब्लिक झगड़ा करती तो पुलिस को बुलाते हैं। अभी तुम पुलिस झगड़ रहे हो तो किसको बुलाए? आप लोग यहाँ सड़क पर क्या कर? जय मैडम सर, कहीं भी शुरू हो जाते हैं,
सड़क पर खड़े हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैडम सर हमें लिफ्ट चाहिए, हमें किसी का पीछा करना है। मैडम सही नहीं, नहीं आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, इनकी वजह से मेरा मैडम उस तरफ भाग गई आपकी गन ढूंढने के चक्कर में। पुष्पा जी मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप उसका पीछा कीजिए और फिलहाल आप दोनों मैनेज कीजिए कैसे भी, हमें बहुत अर्जेंट काम से कहीं जाना है। नहीं मैडम सर कैसे, हमारी गाड़ी इनकी वजह से बंद पड़ गई है ना। और हमारा बाइक जो आपके वजह से बंद पड़ गया उसका कहां पुष्पा जी? नहीं आपके बाइक ठीक है ठीक है। एक मिनट अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास। क्या? थोड़ा उधर हो जाइए ना, आप बैठने को जगह नहीं मिल रही हमें। क्या कर रहे हैं आप लोग, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हमने नहीं, इन्होंने धक्का मारा मैडम सर। नहीं क्या पुष्पा जी, कुछ भी झूठ बोलती। अच्छा मुझे बताओ मैडम सर, हम जा कहाँ रहे, जाना कहाँ है हमें? मीरा का पीछा करो। हाँ मीरा का पीछा, ओह माय गॉड। बिल्लू आगे देखो, माओ चलो। हाँ हाँ। अरे चलाओ। हाँ हाँ। इतना तेज मशीन है ना मैडम सर। जाइए, आप आगे नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकते, ये मेरा केस है। पीछे हम लगे थे, पकड़ा मैंने है, देखा हमने था, मुझे इनसे बात करनी है। तो हम क्या गोद लेने जा रहे हैं उनको, हमें भी तो बात करना है। इनके पास मैडम सर की सर्विस गन है। क्या बात कर रही हो? यस इसकी मैया की सासू मैया, इसने मैडम सर का गन चुराया, पूरा इमेज चूरन कर डाला मैडम सर का, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम आप नहीं जा सकती। मैडम सर इसे ऑर्डर दीजिए कि हमें आगे जाने दे और ये हमें बैकअप दे। दीजिए इसका ऑर्डर। मीरा इन्हें आगे जाने दो, तुम इन्हें बैकअप दो। ओके मैडम सर। संभाल के, उसके पास गन है। ह्यूमन चोचले, सस्पेक्ट फरार, पर मैं ढूंढ सकती हूँ। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, फॉलो मी। एक मिनट, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। सॉरी आप नहीं आ सकती, हम दोनों अलग अलग केस लीड कर रहे हैं और क्योंकि ये मेरा केस है, यहाँ मैं सीनियर हूँ। आप यहाँ रहेंगी तो आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आप करेंगी नहीं क्योंकि आप सीनियर हैं। और वैसे भी आपका का, हमारा का, टू मच ईगो प्रॉब्लम, नो मैच, इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते। सॉरी। कर लेंगे हम तुम्हारे नाम तुम्हारे ऑर्डर भी फॉलो कर लेंगे। मैडम सर के लिए चूने के डब्बे करेंगे तुम्हारा ऑर्डर फॉलो। ओके आप घर की तलाशी लीजिए। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हाँ? दूसरी गाड़ी मंगवाइए, हमें दोनों औरतों को ढूंढना है, सर्च मिशन ऑन रखना है। मंगाते हैं मंगाते मंगाते। मैडम सर आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपका गन आपके पास होगा और आपका पोस्ट भी आपके पास होगा, पूरे मान और सम्मान के साथ। चलिए पुष्पा जी। मीरा जी थैंक यू। चलो बिल्ले। सब गड़बड़ हो गई, उन्होंने हम पर भरोसा किया और अब वही इतने बड़े झमेले में है, वो भी हमारी वजह से। मैडम क्या बात कर रही हैं आप, मतलब झरना ने हसीना मैडम की गन चुराई और मेरी माँ ने उसका साथ दिया। भगवान ये क्या किया सास बहू ने मिलके, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को। अच्छा और तुम्हारी धर्म पत्नी और माँ के वजह से जो हमारी मैडम सर की इज्जत का कचरा हुआ है वो किसके खाते में आता है भैया? देखिए मैडम मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है कसम से, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि झरना आखिर ऐसा करेगी क्यों, वो हसीना मैडम की गन क्यों चुराएगी,
और मेरी माँ उसका साथ क्यों देगी? और झरना बहुत सीधी साधी और घरेलू औरत है, मेरा विश्वास कीजिए मैडम। वो तो जब हमारे हाथ लगेंगी तब हमें पता चलेगा ना कहाँ गई है दोनों। मैडम मुझे नहीं पता है, नहीं पता है कहाँ है वो, इतनी देर से दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, दोनों के फोन आउट ऑफ रीच आ रहे हैं। किसका फोन है, किसका फोन है, जल्दी देखो। अननोन नंबर है। तुम्हारी धर्मपत्नी का फोन हो सकता है। सुनो, तुम फोन उठाओगे एक तो प्यार से बात करोगे, गुस्सा नहीं दिखाओगे, दूसरा उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं और तुम्हें वो गन वाला बात पता है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। जयन मैडम। संतु हम तुम्हें एक नंबर दे रहे हैं, नंबर क्या, नंबर क्या? 8840-56789 इस नंबर को ट्रेस करो, ठीक है? फोन स्पीकर पे डालिए। हेलो। हेलो झरना, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? मेरे साथ कौन होगा, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तुम कहाँ हो? अच्छा सुनिए ना, मैं और माजी ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है घूमने, तो आप चिंता मत कीजिएगा। घूमना तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन हो कहाँ तुम? मैं आपको पहुँच के बताऊंगी ना। कहाँ कहाँ पहुँच कर? अरे जहाँ भी पहुँचूंगी बताऊंगी मैं आपको। बकवास बंद करो, पूछ रहा हूँ ना कहाँ हो, बता नहीं पा रही हो कहाँ हो? क्या रटा फैला के रखा है तुमने? पुलिस आ गई है यहाँ पर। और तुमने तुमने हसीना मैडम की गन चुराई कैसे? हेलो मैडम, फोन काट दिया। तो काटेगी ना, तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? वो अभी क्या बोला था, प्यार से बात करना है, प्यार से बात करते तो अभी तक पता चल जाता कि तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारी माँ किधर है। सॉरी मैडम, थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं ऐसी की तैसी तुम्हारे गुस्से की चूर्ण ना हो तो। ये पक्का माजी पुलिस के साथ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्लू तलाशी करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मेरा चश्मा मिल जाएगा। हाँ संतू बोलो। मैडम ये दोनों सास बहू का जो फोन है वो ट्रेस हो गया है और इनकी करंट लोकेशन है गोपालगंज साबो गोदाम। बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, ये बात मीरा को मत बताना क्योंकि हम पहले दबोचना चाहते हैं सास बहू को, समझ के हमारी बात को? नहीं नहीं मीरा मैडम की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो अलग ही ट्रैक पर चल रही है। उन्होंने मुझसे झरना का फोन डिटेल मांगा था और मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन उन रिकॉर्ड से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई लव यू संतू। आई लव यू टू मैडम। ये क्या कर रही हैं आप? संतोष शर्मा ने झरना के कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं, उन्हीं को स्कैन कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड। क्या हुआ मैडम? इसमें हसीना मैडम का भी नंबर है, इसका मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या बोल रही हैं आप, कुछ भी बोल रही हैं। संतोष शर्मा को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि हसीना मैडम की लोकेशन ट्रेस करे। अरे लेकिन आप अभी। अरे हमारी बात ऑर्डर। बात बात पे ऑर्डर झाड़ देती है। आपने हमसे वादा किया था मैडम कि आप हमसे मिलने के लिए अकेले आएंगे, फिर आपने अपने बाकी लोगों को इस बारे में क्यों बताया? हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। देखिए पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वालों का काम ही होता है चीजों के बारे में पता लगाना, तो उन्होंने कहीं से पता लगा लिया होगा, हम किसी को क्यों बताएंगे? और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, इसलिए प्लीज बताइए क्या आपने गन चुराई है? मैं आपकी गन चुराना नहीं चाहती थी मैडम, मैं एक सीधी सादी नॉर्मल फैमिली की हाउसवाइफ हूँ, मेरा आपका गन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गन चुराई ही क्यों? इसे एक मानसिक बीमारी है चोरी करने की, जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता और जो भी चीज सामने मिलती है ना चाहते हुए भी उसे चुरा लेता है। मतलब तुम्हें क्लेप्टोमेनिया है? जी। बिल्ला कुछ मिला क्या? मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। हा? देखो मेरा चश्मा भी मिल गया, लेकिन इस आग से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्ले क्योंकि खैर कहां मिला, कहां का? यहां मिला। ये पेन किधर गया, यहीं तो रखा था। बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, लेकिन जब भी कोई चीजें देखती हूँ तो उन्हें चुरा लेती हूँ, छुपा लेती हूँ।
हर चोरी के बाद मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, बहुत बुरा फील होता है। अपनी ही नजरों में मैं गिर जाती हूँ और हर बार सोचती हूँ कि हर चोरी के बाद मैं उनका सामान उनको लौटा दूंगी, पर ये सोच के डर जाती हूँ कि वो लोग मुझे चोर कहेंगे और फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने घर की इज्जत के बारे में सोचने लगती हूँ। पर मैं हर चुराए हुए सामान के ऊपर उनका नाम लिख देती हूँ कि समय आने पर मैं उनका सामान, उनकी चीजें उनको लौटा सकूं। आखिर पहुंच ही गए हम फसाद की जड़ तक, मिल गया सबका चुराया हुआ माल। एक मिनट, इसमें मेरी घड़ी मिली क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में? पेरेंट्स को डर था कि अगर मेरी चोरी वाली आदत किसी को पता चलेगी तो मेरी शादी में रुकावटें आएंगी, और ये बात उन्होंने सुबोध और घर वालों को भी नहीं बताई। ये बात सिर्फ मेरी सास को मालूम है और उन्होंने कभी मेरे अंदर कोई दोष नहीं निकाला। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी इस बीमारी से लड़ने के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया, पर अब सबको पता चल गया है ना, अब सब कुछ खत्म। नहीं, सुनो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बीमारी की वजह से हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इस मामले में। हमारी गन वापस दे दो। You are under arrest. मैं जेल नहीं जाना चाहती। चलिए मत झरना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। फ्लाइट इज एन एडमिशन ऑफ क्राइम। कानून की नजरों में भागना या फरार होना अपना जुर्म कबूल करने के बराबर है। एक मिनट मीरा, काम डाउन। ये लोग मुजरिम नहीं है। मैडम सर, इन्होंने आपकी गन चुराई है। जानबूझकर नहीं, सुनो, इन्हें क्लेप्टोमेनिया नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और चोरी कर बैठता है। तुम जानती हो ना इसके बारे में? जानती हूँ मैडम सर, पर चोरी तो चोरी है, अपराध है, क्राइम है। हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं, इनका इंटेंशन नहीं था। देखो, ये बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपने फायदे के इंटेंशन से चोरी करता है तो उसे क्राइम कहते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से चोरी करता है तो वो क्राइम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पर मैं कैसे मानूं इन्हें क्लेप्टोमेनिया की प्रॉब्लम है? क्योंकि ये देखो, इन्होंने हमें हमारी गन वापस कर दी है। इन्होंने ही हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया था हमें हमारी गन वापस करने के लिए। आप चाहे तो हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती है, ये काफी प्रूफ है इस बात का कि ये बेकसूर है। तो फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब आप भी इनके साथ मिली हुई है। अब मुझे आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। कमाल है, आज ही पुलिस वाली है, अपनी सीनियर को अरेस्ट करने की बात कर रही है ये तो। माँ जी, ये हमें मार डालेगी, हसीना जी भी हमें नहीं बचा सकती, हम कह रहे चलिए यहाँ से। सोचना भी मत झरना, वरना मुझे शूट करना पड़ेगा। मीरा, एक मिनट, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है, हम आपसे कह चुके हैं, गन नीचे कीजिए। बीच से हट जाइए मैडम सर, अदरवाइज आई विल शूट, आई विल काउंट टू थ्री। अंडरस्टैंड मीरा, ऑर्डर दे रहा हूं मैं, गन नीचे। दिमाग और आ गया क्या तुम्हारा? मैडम सर पे गोली चलाने वाली हो तुमको तो हम खोल डालेंगे। करिश्मा सिंह, काम डाउन। नहीं मैडम सर, आज आप हमें मत रोकिए, आप पे गोली चलाने वाली थी। ये टीन के डब्बे का ना हम पिचका डालेंगे इसको, आज इसका पूजा चित्रा डालेंगे हम। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मैडम सर पे गोली चलाने का? करिश्मा सिंह, संभालिए खुद को। अरेस्ट तो आपको भी करना चाहिए, पुलिस प्रोसेस में इंटरफेयर करना इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मैडम सर क्रिमिनल्स को बचा रही थी और मैं उन्हें पकड़ रही थी, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मां जड़ बुद्धि, पहले पूरा बात ठीक से सुना करो। वो चोर नहीं है, वो बीमार है, उसको सजा का नहीं उसको इलाज का जरूरत है। ये उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखो इसको, वो किप्टो, वो क्या कहते हैं वो बिल्ले उसको अंग्रेजी में, किप्टो मलेरिया, मलेरिया उसको, वो मलेरिया हुआ, समझ रही हो हमारी बात को? क्लेप्टोमेनिया। हाँ वही हुआ उसको। तुमने ही भेजा था ना हमें उसके घर पे ढूंढने के लिए, तो उसके घर से हमको ये मिला है। देखिए, झरना ने चोरी जरूर की है पर वो चोर नहीं है। प्रूफ एक्सेप्टेड। पर मेरे लिए तुम एक चोर ही हो। सुबोध सुनो, तुम जानते नहीं हो लेकिन तुम्हारी बीवी को मैंने सब सुन लिया है मैडम। चोरी का कलंक लग चुका है हमारी फैमिली पर, और हम क्या समझाएंगे लोगों को कि नहीं
मेरी बीवी चोर नहीं है, उसको तो चोरी की बीमारी है। हाँ, मजाक बन के रह जाएंगे हम लोग, और लोग लोग पास बैठने से डरेंगे कि कब कहीं से क्या किसका क्या पार कर दिए। नहीं मैडम नहीं, ये चोर ही है। ये क्या कह रहे हो बेटा, इसमें इस बेचारे की क्या गलती? आप तो रहने ही दो माँ, सब कुछ जानते हुए भी इतने गिरे हुए काम में आपने इसका साथ दिया, मुझे भनक तक नहीं लगने दी। नहीं माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे डर था कि जिस दिन तुम्हें इसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तुम इसे छोड़ दोगे। मैं तो इसे वैसे ही छोड़ रहा हूँ माँ। मुझे जिंदगी भर चोर के साथ नहीं रहना, पूरी जिंदगी चोर का पति कहलाने का शौक नहीं है मुझे। मैं इसे छोड़ रहा हूँ अभी इसी वक्त। मीरा कंफ्यूज्ड, ये कैसा हस्बैंड है जो अपनी पत्नी को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल ही टोपा है ये आदमी, समझ रहे हो हमारी बात को? क्या दिमाग बार आ गया तुमको? तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है तुमको? तुम अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक समस्या से जूझ रही है, उसको तकलीफ में है, वो उसका इलाज कराओ, उसको ठीक करो, उसका साथ दो। मुझे नहीं देना साथ। और आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप जो चाहे वो करिए, इसके साथ जेल में डालिए। वो घड़ी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, प्लीज मुझे वो ढूंढ के दीजिए, फॉर गॉड सेक। चलो मां। कांग्रेचुलेशंस मैडम सर, आपकी सर्विस गन मिल गई, आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से आजाद हो गई। वेलकम बैक टू महिला पुलिस थाना, आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है मैडम सर। ये वर्दी हमारे लिए हमारा गौरव है, हमारा बोझ नहीं, और जब तक हम इस केस को सही मायने में सॉल्व नहीं कर देते ये बोझ ही रहेगा। जब तक हम झरना को उसका घर, उसका परिवार और उसका आत्मविश्वास लौटा नहीं देते, हम ये वर्दी नहीं पहनेंगे।